अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रोहेल फ्राम अलाउन द वाइल्ड सेंटर। आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम जिस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है ओप्पो का न्यू मॉडल ओप्पो F21 Pro जो कि मार्केट में आ चुका है। आज इसकी फर्स्ट डे सेल थी और वीडियो हम अब बना रहे हैं, इसको अपलोड करते हुए शायद एक दो दिन निकल जाए, पर इसकी फ़ोन की बहुत ही धूम मची है। सो आइए दोस्तों, आपको मुझे टाइम भी नहीं देते, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा डिस्काउंट लेके आ सकें और अच्छी से अच्छी फेवर लेके आ सकें। सो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी प्राइस टैग पर। अगर इसकी प्राइस टैग पर बात कीजिए तो पाकिस्तान मार्केट में इसकी प्राइस 53,000 देखने मिली है, मगर ये डिवाइस अगर आप अल्लाह मदद से परचेज करते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह बड़ी ही मोहब्बत के साथ 4,000 का इसमें डिस्काउंट करेंगे और ये डिवाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 49,000 में देंगे। और इसके साथ साथ इस डिवाइस में आपको टू कलर देखने को मिलेंगे, एक है इस डिवाइस में कलर सनसेट ऑरेंज और दूसरा है कॉस्मिक ब्लैक। तो मगर जिस डिवाइस को हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, हमारे पास है इस टाइम सनसेट ऑरेंज कलर। सो आइए जल्द से इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम अपने चाकू को पकड़ लेते हैं। फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है ओप्पो F21 Pro जो कि 8GB रैम और 128GB वेरिएंट के साथ आ रहा है। सो इसके बाद बॉक्स ओपन होने के बाद आपको बहुत ही डिसेंट किस्म में आपको ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिला, जिसके ऊपर वाली साइड में आपको PTA की स्टैम्प देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ 8GB रैम और 128GB मेमोरी मेंशन है। इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसके ओपन होने के बाद आपको फिर से इसमें एक ब्लैक कलर का फोल्डर देखने को मिला है, इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें एक आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक सिलिकॉन केस देखने को मिला है। इसके बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वारंटी कार्ड और सिम इंजेक्टर। इसके बाद आपको देखने मिलेगी आपकी अपनी डिवाइस, बहुत ही अच्छी पैकिंग में रैप है। इसमें कुछ इसके ऊपर कुछ इसकी हाइलाइट मैचेस। जल्दी से इसके पेपर को अनडैप कर लेते हैं। तो फाइनली आप इसकी फर्स्ट लुक को देख सकते हैं, इसका फर्स्ट इंप्रेशन देख सकते हैं। पर सबसे पहले हम इस डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। जब तक ये डिवाइस टर्न ऑन होती है हम बढ़ते हैं इसके बॉक्स की तरफ और देखते हैं डिवाइस के बाद आपको इसमें मज़ीद क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपको इसमें 31 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि टाइप सी की ऑप्शन के साथ आपको एक मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आपको इस प्राइस रेंज में भी हैंडफोन की ऑप्शन नहीं देखने को मिली, जो कि एक अच्छी ऑप्शन नहीं है इस प्राइस में। तो कम से कम ओप्पो वालों को चाहिए था कि इसमें हैंड फ्री की ऑप्शन होनी चाहिए थी, इतने पैसे लगा के भी आपको हैंड फ्री लादा लेनी पड़े तो क्या फ़ायदा। सो जल्दी से इन चीज़ों को वापस रख लेते हैं। और बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। सो फाइनली डिवाइस ऑन हो चुकी है। सबसे पहले बात की जाए तो इसकी बैक साइड के डिज़ाइन की बात की जाए जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और नो डाउट बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन ओप्पो ने काफ़ी देर के बाद बहुत ही एक डिफरेंट आउट का चीज़ निकाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल के लिए एक अच्छी रहेगी। सो आइए इसके बैक डिज़ाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके नीचे वाली साइड में आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, ऊपर वाली साइड में आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने मिला है जो कि एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में नज़र आ रहा है, जिसके साथ आप देख सकते हैं इसकी कॉपर की लुक नज़र आ रही है। उसके साथ साथ एक साइड में आपको एक दूसरा फ्रेम ब्लैक कलर का देखने मिला है जिसमें एक फ्लैश लाइट की ऑप्शन और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिला है। इसके साइड फ्रेम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में आपको पावर बटन की ऑप्शन देखने को मिली है और नीचे वाली साइड में आपको एक हेडफोन जैक की ऑप्शन, टाइप सी की ऑप्शन, इसके साथ साथ एक सिंगल स्पीकर की ऑप्शन देखने को मिली है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की ऑप्शन देखने को मिली है, ऊपर वाली साइड में आपको सिम ट्रे की ऑप्शन देखने को मिली है और एक ऊपर वाली साइड में इसके एक माइक की ऑप्शन देखने को मिली है। और इसके अगर बॉडी डिज़ाइन की बात की जो इसका बहुत ही सेलिंग पॉइंट में प्लस पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये एक सनसेट ऑरेंज कलर है जो कि बहुत लाइट सा कलर और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसको देखा जाए तो ये ओप्पो के मुताबिक एक लेदर की लुक प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें आपको लेदर की ग्रेन्स दिखती हुई नज़र आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है वो फाइबर ग्लास का बना है, पर ये बहुत ही अच्छा एक लेदर की लुक प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ कैमरे के सेटअप में आपको एक रिंग लाइट की ऑप्शन देखेंगे, आपके नोटिफिकेशन में भी काम आएगी। उसके साथ साथ आप जब मैक्रो कैमरा यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप का कैमरा, तो उस वक्त ये लाइट ऑन होगी। अगर इसके डिस्प्ले की बात कीजिए तो आप देख सकते हैं इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ साथ आपको 6.43 इंच का एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिला है जिसमें कॉर्निंग ग्रीला ग्लास 5 यूज हुआ है जो कि टच क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। पहले से ज़्यादा 90 हर्ट्ज़ फ्रेश रेट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है।
और अगर इसकी स्पीड परफॉर्मेंस में बात की जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिला है, जो कि आपको 8GB के साथ आपको 5GB की एक्स्ट्रा रैम भी देखने को मिलेगी, जो कि आपकी देखा जाए तो गेमिंग वाले बंदों को इन्होंने टारगेट नहीं किया, पर काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर इसके बैक साइड के कैमरों की बात की जाए तो हम इसके कुछ बैक साइड के कैमरों के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है, उसके नीचे आपको माइक्रोस्कोप का कैमरा देखने में, जो कि आज से पहले किसी भी फ़ोन में नहीं आया, फर्स्ट टाइम ऑफिशियल ओप्पो की तरफ से आपको माइक्रोस्कोप का लेंस देखने को मिलेगा। इसके कैमरे का हम टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपको थर्ड कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल रहा है, और नीचे वाली साइड में आपको फ्लैश लाइट की ऑप्शन देखने को मिली है। और फ्रंट साइड के कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट साइड का कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, जो कि सोनी और ओप्पो की जानिब से मिलकर बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा, जो कि सोनी में IMX709 का सेंसर इसमें कैमरे में यूज़ हुआ है, जो कि आपको फ्रंट लेंस से भी बुके बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके कैमरे का कुछ हमने टेस्ट किया, कुछ फ़ोटो हमने क्लिक किया, वो हम आपको दिखा देते हैं कि इसका फ्रंट और बैक साइड का कैमरे का क्या रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट साइड का कैमरा है, इसके ओवरऑल बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल के काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, पर इसमें मुझे एक चीज़ की कुछ कलर्स की कमी लगी, बाकी जो लोग नेचुरल कलर चाह रहे हैं वो इस उन लोगों के लिए फ़ोन बेहतर नहीं है, क्योंकि जो लोग नेचुरल ब्यूटी पसंद करते हैं उन लोगों के लिए फ़ोन बेहतर नहीं है, और जो लोग बहुत ही ब्यूटी वाला फ़ोन लेना चाहते हैं उनके लिए फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसके साइड पोर्ट्रेट भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, पर बहुत ज़्यादा जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है कुछ वाइटनेस, कुछ एक्स्ट्रा ब्यूटी आपको दे रहा है, इसमें नेचुरल कलर का कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसमें कुछ आपका बाई एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रहा है। इसके ये बैक साइड का कैमरा देख सकते हैं, बैक साइड में भी पोर्ट्रेट में आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्लियर रिजल्ट नज़र आ रहा है, पर वही बात है कि इसमें आपको ब्यूटी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ये कुछ नॉर्मल कैमरे का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हमारे चाचू हैंडसम जो के हमारे कस्टमर हैं, जो के बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसके माइक्रो कैमरे का भी हमने टच किया है, उसके बारे में भी हम कुछ आपको गाइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये शलवार की आप ब्लू कलर की आप नज़र आ रही है, इसको हमने टच किया है माइक्रोस्कोप के कैमरे से, वो आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह की इमेज देगा। और ये चीज़ है, ये हमने वही शलवार भी जो मैंने पहनी हुई है उसमें की फ़ोटो आपको लेके दिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप लेंस से, इसकी ईची बीची बड़ी फुल नज़र आ रही है कि ये किस तरह का कपड़ा है और इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इसकी बुनती तक मुझे नज़र आ रही है। तो ये था हमारे माइक्रोस्कोप के कैमरे का टेस्ट, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेफ गार्ड की जानिब से आपके कुछ परसेंटेज जम्स रह जाएंगे आपके हाथों में, तो आप वो अपने माइक्रोस्कोप लेंस से आप उस जम्स को ढूंढ सकते हैं, और उन जम्स का हाथ मा करने में आपके लिए ओप्पो का बहुत अहम किरदार रहेगा। देखिए आपको प्लस पॉइंट भी बता दिए माइक्रोस्कोप लेंस के। दूसरी बात यह है कि गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन कुछ बेहतर नहीं है, इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ओप्पो की तरफ से हमें इसमें कुछ बेहतर प्रोसेसर मिलना चाहिए था, पर इसमें आपको अच्छा प्रोसेसर नहीं मिल रहा, तो इट्स ओके, गेमिंग वाले बंदे को टारगेट नहीं किया, और गेमिंग वाले बंदे इस वजह से दूर हैं जिन्हें चाहिए फ़ोन वैसे ही माइक्रोस्कोप लेंस के लिए काफ़ी अच्छी लुक चाहिए, अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो वो ये फ़ोन ले सकते हैं। सो इसके साथ साथ हम इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को भी टच कर लेते हैं कि इसमें आपको ये कैसा प्रिंट वर्क कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने में मिल रहा है, जो इसका फिंगरप्रिंट आपको ऑन डिस्प्ले देखने मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट को भी टच कर लेते हैं और इसके फेस अनलॉक को भी टच कर लेते हैं, ये कितनी स्पीड में वर्क करता है। काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर रहा है ये फिंगरप्रिंट। अब इसके फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं, फेस अनलॉक देखें विद इन सेकेंड फेस अनलॉक भी आपको ये वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं, ये है हम और ये है हमारे कैमरामैन उमर, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो शूट करते हैं, कभी कभी ये गलत वीडियो, उमर हाय तो कर दे प्लीज, देखिए कितने हैंडसम नजर आ रहे हैं। तो जिस बंदे को ब्यूटी चाहिए वो ओप्पो का F21 Pro जल्दी से ले ले, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्यूटी देखने को मिल रही है, और जो लोग नेचुरल ब्यूटी लेना चाह रहे हैं वो इस फोन से थोड़ा सा दूर है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिए, और अच्छे वाले डिस्काउंट के लिए अल्लाह मदद तशरीफ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, 4000 डिस्काउंट दे रहे हैं अल्लाह मदद वाले, तो दोस्तों कहीं और क्यों जाना है, जल्दी से अल्लाह मदद तशरीफ लाएं और अच्छे डिस्काउंट के साथ ये एडवाइस हासिल करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।